हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्मे एंड माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकेश ऋषिक बोथ। आज हम बात करने वाले हैं मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के चैप्टर नंबर 17 से लेकर आगे। एलिजाबेथ जेन जो है इस बात पर बड़ा दुखी होती है कि उसने अपने पिता यानी हैंचर को डिस्टर्ब कर दिया है फारफ्रे के साथ डांस करके, और वो टेंट से चली आती है जहाँ पे वो फंक्शन हो रहा था, और वहाँ बाहर खड़ी खड़ी सोचती रहती है। कुछ समय बाद वहां पर फारफ्रे आता है और उसे कहता है कि अगर सर्कमस्टेंसेस आज जो हैं उससे अलग होते तो वो उससे कुछ कहना चाहता था उस रात, यानी कि उसका प्लान था कुछ कहने का, है ना। पर वो उसे इतना ही कहता है कि वो कैस्टर ब्रिज से जा रहा है, वो ऐसा सोचता है, ऐसा सोच रहा है कि वो जाए वहां से, है ना। और वो इतना ही कहती है कि उसकी तो इतनी विश है कि वो वहां यहाँ पे रुके, मतलब वो चाहती है कि वो रुक जाए, है ना। बाद में उसे बहुत ही ये जानकर आराम मिलता है कि फारफ्रे ने अपना एक छोटा सा कॉर्न और हे का बिजनेस जो है वो उसी टाउन में यानी कैस्टर ब्रिज में खरीद लिया है, है ना। और इधर जो है हमारे जो भाई साहब है हैंचर भाई साहब जो है, वो उनको लगता है कि फारफ्रे का जो ये कू बने षड्यंत्र है जो, उसके द्वारा वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, और वो एलिजाबेथ को रिक्वेस्ट करता है जेन को कि वो अपने सारे जो बंधन है फारफ्रे के साथ वो तोड़ ले, है ना, और उसको एक लेटर भेजे कि वो भी ये कहे, मतलब वो भी उसके सारे बंधन तोड़ ले, मतलब कोई रिश्ता विश्ता उससे ना रखे। जैसे जैसे फारफ्रे का बिजनेस जो है वो बढ़ता जाता है, और वैसे वैसे ही क्या होता है हैंचर जो है वो और भी ज्यादा बिटरनेस से भर जाता है, कड़वाहट से भर जाता है। चैप्टर नंबर 18 की शुरुआत में क्या होता है, सुजैन जो है वो बीमार पड़ जाती है। हैंचर को एक लेटर मिलता है लुसेटा टेम्पलमैन से, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं अपन, रही है वही वुमेन जो जर्सी में थी जिसका उसके साथ अफेयर था, हम बात कर चुके हैं पहले। और उसमें वो ये कहती है कि वो उसके इस डिसीजन का सम्मान करती है कि वो अपनी पहली वाइफ से शादी कर रहा है दोबारा, और वो ये भी समझती है कि उन दोनों के बीच में अब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और वो उससे ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो लव लेटर्स जो लुसेटा ने उसे लिखे थे वो उसे वापस लौटा दे। और वो ये भी कहती है उससे, बहुत सारी बातें बोल रही है, कि वो खुद आकर ये बात करे, मतलब खुद आके वो लेटर उसको दे। और वो बताती है कि वो एक वहां से कोच यानी कि ट्रेन बोल सकते हैं अपन गुजरेगी, उसमें से उसमें आएगी, है ना, कैस्टर ब्रिज में से होते हुए। हैंचर जो है उसे मिलने जाता है, परंतु लुसेटा वहां पर उसे नहीं मिलती है। इसी दौरान सुजैन जो है उसकी जो हेल्थ है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। एक रात जो है वो क्या कहती है, एलिजाबेथ जेन को कहती है कि एक पेन और पेपर लेके आए, और एक लेटर लिखती है जिसमें जिसको वो सील कर देती है, और उसमें मार्क यानी लिखती है, क्या लिखती है, मिस्टर माइकल हैंचर्ड के लिए लेटर है, मतलब ये नॉट टू बी ओपन टिल एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग डे, जब तक एलिजाबेथ जेन की वेडिंग ना हो जाए, शादी ना हो जाए, तब तक इसको ओपन नहीं की। सुजैन ये भी एडमिट करती है एलिजाबेथ जेन के सामने कि सुजैन ही थी जिसने वो नोट्स लिखे थे जिनके द्वारा एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे जो है फार्म में मिले थे, ग्रेनरी में मिले थे, आपको याद होगा, है ना। और उसको ये आशा थी कि इन दोनों में प्यार हो जाएगा और शादी कर लेंगे। उसके कुछ समय बाद ही सुजैन जो है मर जाती है। फारफ्रे जो है वो गांव के कुछ पुराने जो वासी हैं उनको डिस्कस करते हुए सुनता है, किसके बारे में, सुजैन की डेथ के बारे में। एक जो विलेजर है जिसका नाम है मदर कक्सम, पहले नाम आ चुका है, वो बताती है कि सुजैन ने अपने बैरियल की जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही कर ली थी, है ना, और उसने वो चार पैनीज भी पहले से निकाल के रख ली थी जो उसकी आंखों पर रखी जानी थी, मरने के बाद मे भी अंग्रेज लोग रखते होंगे पैनीज। तो सुजैन को जब बैरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो क्रिस्टोफर कॉनी, याद रखना ये क्रिस्टोफर कैनी कॉनी जो कि एक बेचारा गरीब गांव का रहने वाला, टाउन का रहने वाला है, वो उस बॉडी को खोद देता है, कब्र को खोद देता है वो पैनीज निकालने के लिए। और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है कि मैं पहले तो इसमें अंग्रेजी बोल देता हूँ, दैट शुड नॉट रोब लाइफ ऑफ फोर पेंस, कि मौत को, जिंदगी को रोकना नहीं चाहिए चार पैनी से, सिंपल भाषा में तो इसका अर्थ हो गया। परंतु इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कोई मर ही गया है तो कम से कम जीवित लोगों का तो फायदा हो जाना चाहिए चार पैनी का, इससे इस फायदे से मृत लोगों को कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 19। एक रात की बात है, तीन हफ्ते के बाद जब सुजैन की मौत हो गई, उसके तीन हफ्ते के बाद हैंचर जो है वो डिसाइड करता है कि वो एलिजाबेथ को सच बता देगा, है ना, किस बारे में, उसके और उसकी मदर के रिलेशनशिप के बारे में। हैंचर हालांकि उसे ये नहीं बताता कि उसने उन दोनों को बेच दिया था, बट उसे ये बता देता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो उसकी बेटी है, यानी वो उसका पिता है ना, और
ये बात भी बताता है उसे वो कि एलिजाबेथ जेन के बचपन में हैंचर्ड और उसकी मदर यानी सुजैन दोनों ये सोच रहे थे कि वो दोनों मर गए थे, मतलब इसलिए उन दोनों ने एक्सप्लोर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हैंचर्ड जो है एलिजाबेथ जेन को बोलता है कि वो एक पैराग्राफ लिखे न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, जिसमें वो अनाउंस करेगी कि वो अपना नाम हैंचर्ड कर रही है, चेंज कर रही है ना न्यूसन से हैंचर्ड, और वो उसको अकेला छोड़ देता है ताकि वो कुछ सोच सके लिखने के बारे में। वो ऊपर जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि उसका और एलिजाबेथ का रिलेशन क्या है, परंतु उसे वो लेटर मिलता है जो सुजैन ने उसको लिखा था अपनी मृत्यु से ठीक पहले। हालांकि उस पर वार्निंग है कि उस लेटर को पढ़ा नहीं जाना है जब तक कि एलिजाबेथ जेन की वेडिंग ना हो जाए, परंतु हैंचर्ड उसको खोल लेता है और उसे पता लगता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वास्तव में उसकी बेटी नहीं है। लेटर में ये लिखा होता है कि उनका जो बच्चा था वो बहुत कम समय बाद ही मर गया था जब वो दोनों अलग हो गए उसके बाद मेले में अलग होने के बाद, और जिस यंग मैन का वो वेलकम कर रहा था अपने घर में यानी कि एलिजाबेथ का, वो सेलर की बेटी है जिसने सुजैन को वेडन फ्रायर्स में खरीदा था, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 19 की बात है। चैप्टर 20 जो है शुरू होता है, और हालांकि एलिजाबेथ जेन जो है वो हैंजल के साथ ही रह रही है, अपने पिता के साथ ही रह रही है, नॉट पिता एक्चुअली, लेकिन अभी पिता के साथ ही रह रही है। तो लेकिन उसका जो व्यवहार है एलिजाबेथ के प्रति वो बहुत ही इमोशनलेस और कोल्ड हो रहा है ना, और वो उसके ग्रामीण भाषा को है ना बहुत क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि ऐसी लैंग्वेज जो है उससे तो ये लगता है कि जैसे वो पिग जो है सुअर जो होते हैं उनको खाना खिलाने वाली है, या यू नो कि जैसे कि बिल्कुल लो बर्थ का कोई होता है वैसे उसको बताया जाता है वो। और कहता है कि उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अनरिफाइंड अच्छी नहीं है और बिल्कुल औरतों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दोपहर की बात है, हैंचर्ड जो है एलिजाबेथ जेन को बहुत बुरी तरह डांटता है। किसी डांटता है कि वो नैन्स मॉकरिज नाम की एक वर्कर है जो उसके हेयर में काम करती है, उसको ब्रेड और चीज लेके आती है। जब नैन्स जो है इसको सुनती है हैंचर्ड किस तरह से इंसल्ट कर रहा है उसको, है ना, किसको, नैन्स को, तो वह हैंचर को बताती है कि एलिजाबेथ जेन ने तो इससे भी ज्यादा बुरा काम कर रखा है पैसे के लिए। एलिजाबेथ जेन कंफर्म करती है कि हाँ उसने एक बार थ्री माइनर्स इन में काम किया था। हैंचर इससे बहुत ही शॉक्ड होता है और डर जाता है कि एलिजाबेथ जेन जो है उसने उसकी जो रेपुटेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है इस मिनियल मतलब लेबर जैसी काम जो बिल्कुल लो लेवल का काम होता है उससे। एक सुबह जब वो अपनी माता यानी सुजैन की ग्रेव पे जाती है, एलिजाबेथ जेन जो है बहुत ही अच्छी ड्रेस में एक लेडी को देखती है जो कि सुजैन का टूमस्टोन जो है जो डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ रही है, और बड़ी हक्की बक्की होकर एलिजाबेथ जेन जो सोचती है कि ये कौन है, और उसके बारे में ही वो सोचती रहती है जब वो अपने घर लौट रही है, कौन, एलिजाबेथ जेन। इसी दौरान हैंचर्ड जो है वो उसकी जो मेयर के रूप में उसका जो कार्यकाल है वो भी खत्म होने वाला है, और उसे ये पता लगता है कि उसको अब टाउन का एल्डरमैन के रूप में नॉमिनेट ही नहीं किया जाएगा, मतलब वो मेयर का चुनाव लड़ना तो वो दूर की बात है, मेयर के लिए नॉमिनेट ही नहीं होगा, है ना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कि एलिजाबेथ जेन जो है उसने थ्री माइनर्स इन में काम किया था, मतलब शायद उसको लगता है कि इसके कारण से मेरी जो रेपुटेशन है वो डाउन हुई है और मुझे अब एल्डरमैन जो कंटेस्टेंट है वो भी नहीं बनाया जाएगा। हैंचर जो है उसे और ज्यादा गुस्सा आता है जब उसे पता लगता है कि उसने डोनाल्ड फारफ्रे को सर्व किया था उस होटल में उस इन में, और अब वो एलिजाबेथ जेन को एक बर्डन मानने लगता है ना, जिससे वो छुटकारा पाना चाहेगा। इसलिए हैंचर जो है फारफ्रे को लेटर लिखता है और जिसमें वो कहता है कि अब तुम चाहो तो अपनी कोर्टशिप जारी रख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, प्रेम प्रसंग जारी रखना चाहो तो रख सकते हो। अगले दिन एलिजाबेथ जेन जो है उस जो अच्छी ड्रेस वाली लेडी थी उससे वापस मिलती है चर्चयार्ड में। जब वो बात कर रहे होते हैं तो एलिजाबेथ जेन ये बताती है कि वो अपने पिता से पूरी तरह से खुश नहीं है। वो लेडी जो है एलिजाबेथ जेन को कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ आके रह सकती हो मेरी कंपेनियन के रूप में। उसे बताती है कि वो इस हाई पैलेस जो हॉल है उसमें आने वाली है जल्दी ही, जो सेंटर में है बिल्कुल कास्टल ब्रिज के। एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत ही खुशी खुशी अग्री करती है और लेडी जो है वो उससे एक हफ्ते में मिलने का अरेंज करती है, मतलब वो एक हफ्ते में मिलेंगे दोबारा, इस बात के लिए वो अरेंज करती है। चैप्टर 21 में अगले हफ्ते क्या होता है, एलिजाबेथ जेन जो है वो हाई प्लेस हॉल के सामने से काफी बार गुजरती है और सोचती है कि इसमें रहना जो है कैसा होगा,
है ना। और एक दिन तो क्या होता है कि जब वो घर की तरफ देख रही है तो वो सुनती है कि कोई आ रहा है और वो उस घर के अंदर कहीं छुप जाती है। हैंचर जो है वो आता है और बिना नोटिस हुए एलिजाबेथ जेन द्वारा, और ना ही वो नोटिस करता है, वो अंदर घुस आता है। और उसी दिन बाद में क्या होता है, एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर से पूछती है कि क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन होगा अगर वो उसका घर छोड़ के चली जाए। तो वो उसे उत्तर देता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी प्रकार का, और यहाँ तक कि वो उसको एक अलाउंस भी देगा, मतलब पैसा भी खर्चने के लिए दे देगा। चलिए बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब जल्दी ही होगा। अभी हैव स्टार्टेड नाउ विद फुल जील एंड कॉन्फिडेंस नाउ, सो इतना तो गैप था उसके लिए आई फील सॉरी, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।